अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब माय नेम इज रायन मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड सो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज थर्टीन बी तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर ग्रेड सेवन मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर थर्टीन ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन एंड एक्सरसाइज थर्टीन बी क्वेश्चन नंबर वन फिल इन द ब्लैंक्स ंगल्स ऑफ अ ट्राइ एंगल आर फोर्टी फाइव डिग्री एंड सिक्सटी फाइव डिग्री देन द थर्ड इज सो एज यू नो कि एक ट्राइंगल के एंगल्स का सम होता है वन एटी डिग्री तो आपको यहाँ पर दो एंगल्स गिवन है तो उसका थर्ड एंगल क्या होगा ये आपने बताना है सो दिस इज वेरी इजी फॉर द ब्लैंक्स कि आप सिंपली इन दो एंगल्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे वन एटी डिग्री से तो आपके पास थर्ड एंगल आ जाएगा जैसा कि यहां पर हम सॉल्व करते हैं इसे लाइक like 45 डिग्री फर्स्ट एंगल प्लस 65 डिग्री सेकंड एंगल और जो थर्ड एंगल होगा उसको मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अल्फा से एंड दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री सो so 45 डिग्री प्लस 65 डिग्री इट बिकम्स 110 डिग्री और ये 110 डिग्री वहां पर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे एंड 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री

ऑपोजिट साइड ये वाली साइड है तो इस साइड को हम क्या कहते हैं दिस साइड इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज क्लियर ट्राइंगल की इस को आप कहते हैं परपेंडिकुलर ये साइड होती है बेस और ये साइड होती है हाइपोटेन्यूज तो अपोजिट साइड जो है वो है क्लियर नाउ द थर्ड वन इन अ डैश ट्राइंगल ऑल द साइड्स

दो एंगल जो हैं वो 90 डिग्री से स्मॉलर होते हैं that is, obtuse triangle. Obtuse triangle, एक ऐसा होता है जिसमें दो एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री से स्मॉलर होते हैं क्लियर फिफ्थ वन डैश ट्राइंगल कैन बी राइट एंगल ऑप्ट्यूज एंगल और एक्यूट एंगल तो कौन सा ट्राइंगल जो है वो राइट right एंगल भी हो सकता है obtuse भी हो सकता है और एक्यूट भी हो सकता है And that is, स्कैलिन ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल भी हो सकता है ऑप्टूज भी हो सकता है और भी हो सकता है सो फिल द ब्लैंक स्कैलिन ट्राइंगल क्लियर नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स आपने बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है फर्स्ट स्टेटमेंट इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 एटी डिग्री एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का अगर आप सम करें तो वो होता है 180 एटी डिग्री ये ऑफकोर्स अभी हमने ये फर्स्ट एमसीक्यू में भी ये पार्ट डिस्कस किया था कि ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम होता है 180 एटी डिग्री सो दिस ट्रीटमेंट इज ट्रू नाओ सेकेंड स्टेटमेंट एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू द सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स अगर आप ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम करें तो वो इक्वल होता है एक्सटीरियर एंगल के यस एग्जैक्टली द स्टेटमेंट इज ट्रू अगर हम इंटीरियर एंगल्स का सम करें तो वो इक्वल हो जाता है एक्सटीरियर एंगल के क्लियर द थर्ड स्टेटमेंट बेस एंगल्स ऑफ एन आर इक्वल एग्जैक्टली ट्राइंगल्स कौन से ट्राइंगल्स होते हैं जिसकी दो साइड हो फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूं तो लेट सपोज कि ये साइड इस साइड के इक्वल है तो ये कहलाएगा आइसोस्केल्स ट्राइंगल क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि इसके जो बेस एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे बेस एंगल्स कौन से जो कि बेस पर बनते हैं लाइक दिस एंड दिस ऑफ कोर्स जब इनकी साइड ही इक्वल होंगी तो उसकी वजह से इनके जो बेस एंगल्स हैं वो भी इक्वल ही होंगे क्लियर सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू नाउ द फोर्थ स्टेटमेंट अ ट्राई एंगल कैन नेवर बी अ राइट एंगल ट्राई नो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल भी हो सकता है ये पार्ट भी आपने डिस्कस किया था लास्ट फिल्म द ब्लैंक्स में कि एक स्कैलिन ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल भी हो सकता है भी हो सकता है और दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स राइट फॉल्स इन फ्रंट ऑफ एंगल्स इन अ राइट एंगल ट्राइंगल कैन बी ऑफ 90 डिग्री नो फॉल्स बिकॉज एक राइट एंगल ट्राई में सिर्फ एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है टू एंगल्स नहीं होते ओके सो राइट फॉल्स इन फ्रंट ऑफ दिस क्लियर आई होप क्वेश्चन नंबर टू आपको समझ आ गया होगा सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राई एंगल्स

फर्दर जितने भी पार्ट से अपनी कॉपी पर ड्रॉ कर सकते हैं क्लियर सो फर्स्ट पार्ट में आपको ए बी की गिवन है एट सेंटीमीटर बीसी की लेंथ गिवन है सिक्स सेंटीमीटर और सी ए की फोर सेंटीमीटर और आपने एक ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्केल से ए बी लाइन ड्रॉ कर देंगे विच इज एट सेंटीमीटर ओके आपने स्केल से प्रॉपर मेजरमेंट के साथ आपने एट सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर देनी है ए बी नेक्स्ट बी सी की लेंथ आपको गिवन है सिक्स सेंटीमीटर कि सी पॉइंट जो है वो कहीं पर कहीं बनेगा तो आपने क्या करना है कैंपस को आपने सिक्स सेंटीमीटर ओपन करना है क्लियर कैंपस को आपने सिक्स सेंटीमीटर ओपन करना है और आपने बी पर प्लेस करके आपने एक आर्क ड्रॉ कर देनी है आपको यहां पर एक आर्क शो हो रही होगी ये आर्क आपने ड्रॉ कर देनी है क्लियर उसके बाद सी ए है फोर सेंटीमीटर दैट मीन कि अगर ये पॉइंट कहीं पे भी सी है तो ए जो है वो ये पॉइंट है तो आपने अगेन कैंपस को फोर सेंटीमीटर ओपन करना है और आपने प्लेस कर देना है कैंपस को पॉइंट ए पर अब यहां पर प्लेस करके भी आपने कैंपस से एक लाइन एक आर्क ड्रॉ कर देनी है और जैसे ही आप आर्क ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों आर्स एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी अब जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही होंगी उस पॉइंट को आप नाम देंगे पॉइंट सी का क्लियर और फर्दर आप सी को ए से ज्वाइन कर देंगे जिसकी मेजरमेंट थी फोर सेंटीमीटर सी को बी से ज्वाइन कर देंगे जिसकी मेजरमेंट थी सिक्स सेंटीमीटर क्लियर सो आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया नाउ द सेवेंथ पार्ट मैयर ए बी इज इक्वल टू सिक्स सेंटीमीटर एंड मैयर एंगल ए इज इक्वल टू सिक्सटी डिग्री एंड मैयर एंगल बी इज इक्वल टू फोर्टी डिग्री अगेन इस पार्ट में भी आपने सबसे पहले ए बी लाइन ड्रॉ कर देनी है विच इज ऑफ सिक्स सेंटीमीटर क्लियर से प्रॉपर मेजरमेंट के साथ आपने 6 की ए बी लाइन ड्रॉ कर देनी है उसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपने ए पर 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है तो बाय यूजिंग डी आपने डी को प्लेस करना है ए पर और आपने ए पर 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेना है अब जहां पर 60 डिग्री बन रहा होगा वहां पर आप एक ए से लाइन ड्रॉ कर देंगे और फर्दर आपने इसको एक्सटेंड कर देनी है सिमिलरली बी पर आपको एंगल गिवन है 45 डिग्री का तो अगेन आपने डी को या प्रोटेक्टर को आपने प्लेस करना है पॉइंट बी पर और आपने 45 डिग्री का एक एंगल जो है वो ड्रॉ कर देना है और उस लाइन को भी फर्दर हम एक्सटेंड कर देंगे सो ऑन क्लियर So, जहां पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होंगी उस पॉइंट को हम नाम देंगे पॉइंट सी का और आपने सी को जैसे ए से आपने पहले ज्वाइन कर दिया और सी को बी से भी आपने ज्वाइन कर दिया तो इस तरह से ए बी सी एक ट्राइंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा क्लियर सो आई होप इस क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट अब आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं फॉलोइंग आइसोसलिस जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया लास्ट पोर्ट पर कि ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं जिनकी दो साइड जो हैं वो इक्वल होती हैं. जैसे कि पार्ट आपको गिवन है एट सेंटीमीटर सिमिलरली एक और साइड की लेंथ जो है वो भी एट सेंटीमीटर ही होगी सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पर ए बी एट सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे क्लियर बाय यूजिंग स्केल अपने प्रॉपर मेजरमेंट के साथ आपने सेंटीमीटर की लाइन एंगल कंस्ट्रक्ट कर देना है और इस लाइन को फर्दर एक्सटेंड कर देना है क्लियर सो so, अब जैसे कि ये साइड एट सेंटीमीटर है तो अगेन ये साइड भी एट सेंटीमीटर की होनी चाहिए क्लियर सो so, हम क्या करेंगे हम कैंपस को ओपन करते हैं और कैंपस को ओपन करके आपने कैंपस को प्लेस करना है पॉइंट बी पर और बी पर प्लेस करके आपने एक आर्क ड्रॉ कर देनी है सो so, कैंपस को कितना ओपन करना है एट सेंटीमीटर के रेडियस के अकॉर्डिंग आपने कैंपस को ओपन करना है और आपने एक आर्क ड्रॉ कर देनी है तो जहां पर वो आर्क कट कर रही होगी प्रीवियस लाइन को तो वहां तक आपने बी को एक्सटेंड कर देना है इस तरह से ये आपका पॉइंट हो जाएगा दिस इज पॉइंट सी तो इस तरह से ए बी सी जो है वो एक ट्राई एंगल यहां पर कंस्ट्रक्ट हो जाएगा क्लियर सो नो मूव टू नेक्स्ट पार्ट एंड द नेक्स्ट पार्ट विच इज एट एल्टीट्यूड इज इक्वल टू फोर सेंटीमीटर एंड वर्टिकल एंगल इज इक्वल टू सिक्सटी फाइव डिग्री अब यहां पर आपको आल्टीट्यूड गिवन है मीन हाइट गिवन है आपने स्केल से फोर सेंटीमीटर की आपने एक लाइन जो है वो आल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेनी है अब जब स्केल से हम फोर सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे सो अब यहां पर है वर्टिकल एंगल जो है वो 65 डिग्री तो आपने इस पॉइंट पर जाके आपने 65 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देना है डी को आप यहां पर प्लेस करेंगे इस पॉइंट पर और जहां पर 65 डिग्री का एंगल बन रहा होगा वहां पर आप एक लाइन को एक्सटेंड एक कर देंगे बेस तक और फर्दर जब बेस तक आप एक्सटेंड कर देंगे तो बेस पर ये दो पॉइंट्स आ जाएंगे इन दो पॉइंट्स को आपस में हम मिला देंगे तो इस तरह से एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी तो इस तरह से आपके पास एक ट्रायंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा क्लियर और जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर ये वाला जो एंगल होगा ये आपका 90 डिग्री का कंस्ट्रक्ट हो जाएगा क्लियर नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन कंस्ट्रक्ट विद ट्राइ एंगल ए बी सी विद मैर ए बी इज इक्वल टू थ्री सेंटीमीटर मैयर बी सी इज इक्वल टू फोर सेंटीमीटर एंड मैयर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू थर्टी डिग्री सो आपने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है अगेन आपको रीडिंग यहां पर गिवन है जैसे कि ए बी थ्री सेंटीमीटर तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्केल से ए बी नाइन थ्री सेंटीमीटर की आप ड्रॉ कर लेंगे और इसके बाद बी सी है फोर सेंटीमीटर और मयर एंगल ए बी सी है थर्टी डिग्री ए बी सी दैट मीन कि सेंटर जो है वो बी है तो आपने बी पर 30 डिग्री का एक एंगल कंस्ट्रक्ट कर देना है आपने प्रोटेक्टर को प्लेस करना है पॉइंट बी पर और आपने यहां पर 30 डिग्री का एक एंगल कंस्ट्रक्ट करना है और फर्दर जहां पर 30 डिग्री लाइक कर रहा होगा वहां पर आपने एक लाइन जो है वो एक्सटेंड कर देनी है क्लियर नाउ बी सी इज इक्वल टू फोर सेंटीमीटर आपने अगेन कैंपस को फोर सेंटीमीटर ओपन करना है और आपने कैंपस को प्लेस करना है बी पर और बी पर प्लेस करके आपने एक आर्क ड्रॉ कर देनी है तो जहां तक वो आर्क ड्रॉ हो रही होगी दैट मीन फोर सेंटीमीटर की वो लाइन जो है आपने ऑलरेडी ड्रॉ कर दी क्लियर अब जहां पर वो आर्क हो रही है उस पॉइंट को हम नाम दे देंगे जहां पर बेसिकली इंटरसेक्ट हो रही है उस पॉइंट को हम नाम दे देंगे पॉइंट सी का और फर्दर आपने उस सी पॉइंट को ज्वाइन कर देना है ए से तो इस तरह से एक ट्राइंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगी क्लियर आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन कंस्ट्रक्ट एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल विद ए बी इज इक्वल टू मैर ए सी इज इक्वल टू फोर सेंटीमीटर एंड मैर बी सी टू सिक्स सेंटीमीटर मार्क दिड पॉइंट डी ऑफ बी सी जॉइंग ए डी फाइंड द साइज ऑफ एंगल ए डी बी सो जैसे कि यहां पर हम क्वेश्चन को पहले यहां तक रीड करते हैं कंस्ट्रक्ट एंड आइसोस्लिस ट्राइंगल मीन के दो साइड की लेंथ

आपने स्केल को यूज करते हुए प्रॉपर मेजरमेंट के साथ आपने 4.5 सेंटीमीटर के लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इसके बाद आपने ए आपको गिवन है 4.5 सेंटीमीटर सो आपने कैंपस को 4.5 सेंटीमीटर ओपन करना है और आपने कैंपस को ए पर प्लेस करके आपने एक आर्क ड्रॉ कर देनी है क्लियर और सिमिलरली बी आपको गिवन है सिक्स सेंटीमीटर तो आपने कैंपस को सिक्स सेंटीमीटर ओपन करना है और बी पर प्लेस करके अगेन आपने एक आर्क ड्रॉ कर देनी है तो जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट हो देना है ए के साथ सी पॉइंट आपने को कर देना है बी के साथ जैसा कि ए सी आपने, आपने यहाँ पर कैंपस ओपन किया था का, तो ये लेंथ हो जाएगी 4.5 सेंटीमीटर की सिमिलरली यहां पर आपने कैंपस ओपन किया था 6 सेंटीमीटर का तो इसकी लेंथ हो जाएगी 6 सेंटीमीटर क्लियर तो इस तरह से आपने एक ट्राइंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लिया अग, now, मार्क द मिड पॉइंट डी ऑफ बी सी सो आपने बी सी का जो मिड पॉइंट होगा उसको आपने मार्क कर लेना है ए को डी से आपने ज्वाइन कर देना है फाइंड द साइज ऑफ एंगल ए डी बी तो ए डी बी ये ट्राइंगल बन रहा है अब सेंटर में यहां पर डी है दैट मीन की डी पर जो एंगल बन रहा होगा वो एंगल आपने फाइंड आउट करना है क्लियर तो यहां पर मैं कह रहा हूं ये एंगल है थेटा ओके okay? और ये थेटा एंगल आपने कैलकुलेट करना है अब आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे आपने सिंपल प्रोटेक्टर को प्लेस करना है आपने पॉइंट डी पर और डी पर प्लेस करके आपने ये देख लेना है मयर कर लेना है कि ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है तो हम वहां पर नोट डाउन कर लेंगे थेटा जो है वो इतने डिग्री का एंगल बन रहा है क्लियर सो so, इस तरह से हम डी पर एंगल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं क्लियर सो आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा टेक केयर अल्लाह हाफिज